13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। करूंगी मैं आपकी मदद, औताक में मौजूद है वो हार। आयतोलन ने औताक की खातून बनने के लिए दुरु मुमानी को मौत के घाट उतार दिया। अमीर सादतीन को पैक की मदद करने वाले हाथ अपनी वालिदा के खेमे के अंदर पहुंचने से पहले ही मैं अपने हाथों से काट डालूंगा। ये मैं क्या सुन रही हूं? मैं जानता हूं कौन है मोहर चोरी करने के पीछे। गुमश्तकिन का काम है क्या ये? कुंदोक्तों की लगाम पर गिरफ्त मजबूत करो अपनी और उसकी तवज्जो अपनी तरफ करवाओ। अपने खोने का डर बिठाओ उसके अंदर। सलजान मेरी बहन, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी राजदार हूं, हमेशा साथ दिया है तुम्हारा, लेकिन मुझे सलजान इस सूरतेहाल के बारे में अर्तुरुल को हर सूरत में आगाह करना होगा, क्योंकि मैंने आज तक कुछ नहीं छुपाया है उनसे। मेरी बात समझो। हलीमा, तुमने अगर अभी उन्हें बताया तो आयतोलन और गुनचगुल सूरत हाल को भांप लेंगी और खुद को महफूज कर लेंगी। और तुम तो जानती हो अच्छी तरह मेरे पास उस हार के अलावा अपनी बेगुनाही को साबित करने का और कोई सबूत नहीं। मैं इल्तिजा करती हूँ, थोड़ा सब्र कर लो, गोगचे की शादी तक जरा इंतजार कर लो। बस मैं जानती हूँ अगर कोरकुत मामू का जमीर जिंदा है तो वो जरूर इस मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अर्तुरुल भाई के इल्म में अगर ये बात आ गई तो मुझे नहीं पता कि ये गलीज दलदल किस किस को निकल लेगी। सरदार के औताक के लिए तुम्हारी खिदमत बहुत तारीफ के लायक है बानो जिजैक। तो दुर्गा कबीले की खवतीन की शान हो तुम, इसीलिए मेरी राय में तुम्हारी जैसी हुनरमंद लड़की इससे कहीं बेहतर खिदमत सरंजाम देने की अहल है। हम दोनों बहनों पर दुरु खातून और कोरकुत सरदार के बहुत एहसानात हैं। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मरहुमा से बहुत मोहब्बत करती थी तुम, है ना? बहुत मोहब्बत करती थी मैं, और आज भी मोहब्बत है उनसे। लेकिन अचानक ही उनकी मौत हो गई। बीमार तो नहीं थी? आज तक मैं उनकी मौत की वजह ढूंढ रही हूं।
ये कौन जान सकता है कि कब किसकी बारी आ जाए बानो चिचक, वो धुरु खातून हो या फिर हम। मौत की तरह हमें इस बात का भी इल्म नहीं होता कि ये किसके हाथों आएगी आयतुलन खातून। अल्लाह महफूज रखे ऐसे शैतानी हाथों से। मुझे इजाजत दीजिए आप। और तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से आएगी। ये मसला इतनी आसानी से हल नहीं होगा अर्तुरुल, और जब तक हल नहीं हो जाता वालिदा और हमारे लिए बोझ बना रहेगा। लेकिन असल मसला ये नहीं है अर्तुरुल, मसला कुंदूकदू भाई है। वो कुंदूकदू भाई के होने वाले सुसर हैं जिनकी गर्दन पर आपने तलवार रखी थी अर्तुरुल। गोंजुगल के साथ जल्द ही उनका निकाह हो जाएगा। मेरे नजदीक वो एक मशकूक शख्स है, उसकी बेटी को खानदान में कैसे कर ले शामिल। गोंजा गुल चाहे जिस कदर भी मासूम हो, जब तक उसके बाप पर शक है मुझे वो इस खानदान में शामिल नहीं हो सकती। लोगों को अपनी इस बात पर कैसे आमादा करेंगे अर्तुरुल आप? वालिदा का खेमा कोई मामूली खेमा नहीं हलीमा। वो लोग जो छुपकर उसमें दाखिल हुए वो कितने खतरनाक साबित होंगे मौका मिलने पर। क्या गोंजा गुल और गुंदूकदू भाई की शादी रोकने का इरादा रखते हैं आप? ये मामला सिर्फ जज्बात का नहीं, मुस्तकबिल है इस पर काई कबीले का। जरूरत पड़ी तो इस शादी को रोकना हर लिहाज से फर्ज होगा मुझ पर। बदबख्त इंसान, क्या मैं अंदर आ सकता हूं गोमश्तकिन साहब? आ जाइए गुंदोगदू साहब। जो कुछ भी आपके साथ हुआ मुझे बहुत अफसोस है उसका। सब सिपाहियों के सामने किस बदलिहाजी से उसने तजलील की है मेरी, आपने देखा था ना, तरबियत गाह में उसने सबके सामने मेरी गर्दन पे तलवार रख दी थी। फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो मेरे किरदार को अर्तुरुल ने पामाल कर डाला इल्जाम लगाकर। अगर पूरी दुनिया भी मुझसे आके अफसोस करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे? पहले आपकी वालिदा ने उस बोहर की जांच पड़ताल के लिए मेरी बेटी को बुलवाया, और आज आपका भाई अकलमंद बनकर मुझे जांचने आ गया। उसे लगा कि वो मुझे भड़काकर कुछ भी कहलवा लेगा। शर्म से डूब जाना चाहिए। मेरा ख्याल है दुरुस्त भी किया जा सकता है मामलात को। क्या क्या दुरुस्त करेंगे गुंदोगदू साहब, क्या दुरुस्त करेंगे आप? अपनी बेटी का निकाह अब आपसे नहीं कर सकता मैं, और जब तक ये मसला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता आप यहां तशरीफ हरगिज मत लाइएगा।
कुछ नहीं हुआ दुआन साहब, तलवार साफ करते हुए कट गया था। जख्म गहरा है, पट्टी कर लीजिए। मुझे दीजिए, मैं करता हूं। इसको इस तरह दबा के रखिए ताकि ज्यादा खून ना निकले। शुक्रिया। अगर मेरा हाथ होता तो भी मुझे इतना दर्द ना होता। एहसास ही इंसान को एक दूसरे के करीब करता है। तूतकिन भाई की शादी नहीं देख सके अपनी जिंदगी में दुरु खातून। काश कि ये सब ना हुआ होता। मुझे इजाजत दे। इंसान क्या है मोहतरम? इंसान अशरफुल मखलूकात है। दरख्त, ऊंचे पहाड़, दरिया, नहरें और नदियां क्यों खल्क किए गए? रात को चांद क्यों चमकता है? सूरज जमीन को क्यों हरारत देता है? दरिया का पानी क्यों बहता है? सूरज क्यों तुलू होता है और गुरूब क्यों होता है? सोचा है कभी इस बारे में? ये सब इंसान के लिए है। कायनात की सारी खूबसूरती, सारा तमाशा, जो भी कुछ है, सब इंसान के लिए है, ताकि इंसान आराम और सुकून हासिल कर सके और रब का शुक्र अदा करे। लेकिन इंसान ना शुक्रा है, आंखें होने के बावजूद नहीं देखता, सुनता है पर कान नहीं धरता। हमारी एक सांस बंद हो जाए तो किस्सा तमाम समझो, इसके बावजूद भी हकीकत को नहीं मानता, अल्लाह को याद नहीं करता, खुद को ताकतवर समझता है। अल्लाह हमें अपना शुक्र अदा करने वाला बनाए। आमीन। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खूबसूरत इंसान, जरी इंसान। जहां जहां तुम गए उन जगहों का अहवाल सुनाओ। गुंडोक्तू, सब खत्म हो गया वालिदा। खैरियत क्या हुआ? मेरे भाई अर्तुरुल ने फतह अपने नाम कर ली इस मुहिम में भी। कैसी मुहिम? गुमश्तकिन सरदार को कमजोर करने की मुहिम। तुम्हारी गुमश्तकिन से बात हुई है कोई? मेरे अपने भाई ने मेरी इज्जत दागदार और घर पर बात करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। गुंडोक्तू, हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। तुम सब्र से काम लो फरजंद।
सुल्तान ने बानो जजैक को बुरी तरह उलझा दिया है भाई। आप सोच नहीं सकते कितनी नफरत भरी नजरों से देख रही थी वो मुझे। इस मुसीबत से कैसे जान छुटेगी हमारी, ये बात हर तरफ फैल जाएगी। कोरकुत का अपने सिपाहियों के सामने मरना जरूरी है और कातिल भी वही अंजाम को पहुंचना चाहिए। क्या मतलब आपका? बानो जिजेक सुल्तान की जहरीली बातों में उलझकर अगर वो गरीब लड़की तैश में आकर कोरकुत को मार डालती है तो एक तीर से तीन शिकार हो सकते हैं आयतुलन। लेकिन हम लोगों को किस तरह कायल करेंगे इस कहानी के लिए? तुम पहले जहर तैयार कर लो। ठीक है, जैसा आप कहें। मुझे तुमसे आज एक और कुर्बानी चाहिए मेरी बहन। हुक्म करें आप भाई, आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हूं मैं। क्या कुर्बानी चाहते हैं? जहर तुम्हें भी पीना होगा। बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, आर्तुक तुम्हें मौत के मुंह से निकालकर ले आएगा। बस उस जहर की मिकदार जो तुम कोरकुत को दोगी उससे कम रखना। बानो जिजेक को सजा मिलनी चाहिए कोरकुत और तुम्हारी जान लेने के जुर्म में। आप देख रहे हैं हजरत, बाज़ंतीन आज अपने ही लोगों के लिए अजनबी हो चुका है। तुम नए खितों और वहां के लोगों से मिले हो, तुमने उनके दिलों से कलाम किया है, उन्हें इंसान होने का एहसास दिलाया है। और उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि कितने ही मजलूम आज दुनिया में इंसाफ के मुंतजर हैं। सही कहा, एक जमाना था जब मुशरिकीन मक्का इंसानियत को भूलकर अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। हमारे प्यारे नबी ने अल्लाह के फजल करम से इंसान को इंसानियत का राज समझा दिया और यूं दुनिया में अमन हो गया। क्या था वो राज? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह को जाने बगैर आप इंसानियत का राज नहीं पा सकते। और जो मुसलमान होकर भी जालिम है, जो लोग दीन में तफरका फैलाते हैं या कुफर के साथ साजबाज करके हमारी पीठ में खंजर घोंपते हैं, हकीकत में यही लोग तो असल जालिम हैं। नबी पाक ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, लेकिन फिर भी इंसान एक दूसरे का खून बहा रहा है। ये मुसलमान को क्या हो गया है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर क्यों ठहरा रहा है? मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। रब करीम सूरह फतह में फरमाता है, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं, जो उनके साथ हैं वो काफिरों के लिए सख्त हैं और उनके दिलों में रहम है एक दूसरे के लिए। फर्जंद, अगर हम इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं तो खुद को ठीक करना होगा, अपना खेमा, अपना कबीला और अपने शहर को ठीक करना होगा पहले। आप कभी भी खराब जमीन पर तामीर नहीं कर सकते। अपने घर को साफ किए बिना इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकते। सबसे बड़ी और सख्त आजमाइश वो नहीं जब हमारे अपने ही ज्यादती करते हैं हमसे। भूलना मत, हमारे पैगंबर पर सबसे ज्यादा जुल्म उनके चचा अबू लहब ने किया था, लेकिन उनको सबसे ज्यादा हिमायत उनके चचाजाद हजरत अली से हासिल हुई। अल्लाह अपने मानने वालों को हजरत अली जैसा साथी नसीब करे। आमीन आमीन। ऐ सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल, ये वाज़े है कि एक नया रास्ता तुम्हारा मुंतजर है। तुम्हें मुखलिस और पाकीज़ा साथियों के हमराह ये मुबारक सफर इख्तियार करना है ताकि तुम इंसानियत की बेहतरीन खिदमत कर सको। भूलना मत, तुम्हारा कबीला तुम्हारा अक्स है, तुम्हें अपना आप नजर आना चाहिए।
जब तुम अपने कबीले को देखो। ये इश्क भी अजीब चीज है भाई। कल तक घोड़े से लात खाई हुई शक्ल थी इसकी, और आज उस गधे की तरह खुश हो रहा है जिसे सब्ज घास मिल गई हो। इसे ही इश्क कहते हैं भाई। आपको वजीर भी बना सकता है और फकीर भी। आपको मोहब्बत हो गई है ना? क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा? फिर कहो जरा। दुर्गत भाई, आखिर भाई को इतना गुस्सा किस बात पर आ गया कि गुमुश्तकिन साहब को रुई की तरह धुनक कर रख दिया उन्होंने? अर्तुरुल भाई ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। गुमुश्तकिन सरदार की ही कोई ना कोई गलती होगी। और गुंदोगदू भाई भी बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। एक तरफ उनका भाई है और दूसरी तरफ गोंजा गुल खातून के बाबा है। फिर क्या होगा भाई, इस मामले का अंजाम क्या होगा? अर्तुरुल भाई जब तक अपनी मंजिल नहीं पालेंगे, उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। बमसे वाजे आसार हैं तूफान के। गुंदोगदू भाई या तो उन खातून को छोड़ देंगे या फिर अपने भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तुम सबको खुश रखे। शुक्रिया भाई। शुक्रिया भाई। भाई कैसा है मेरा शेर? तुम दिली दमीर का ख्वाब पूरा करोगे सिपाही बनकर। देखो दुआन को अभी कैसे चित किया तुमने। मैं सिर्फ आपके जैसा सिपाही बनना चाहता हूँ अर्तुरुल भाई। चलो तुम जाओ जरा बाहर, तुम्हारे भाइयों से कुछ बात करनी है मुझे। बहुत बाहिम्मत खातून है आप। कितने ही दुख देखे हैं आपने और अब भी मुश्किलात से दो चार हैं। मुझे फख्र है आप पर कि आप जैसी बहादुर खातून मेरी माँ हैं। अरे मेरे बच्चे, माँ बनना आसान नहीं होता। एक माँ अपना दर्द और परेशानी सब कुछ भूल जाती है, लेकिन अर्तुरुल और गुंदोगदू के दरमियान कशीदगी से मेरा दिल कटा जा रहा है। खून के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते वालिदा। वक्ती तौर पर तनाव जरूर आ जाता है, लेकिन यह हमारा फर्ज है उन्हें जोड़े रखें। लेकिन गुमुश्तकिन का मामला अगर हल ना हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें यकीन है क्या इस बात का कि गुमुश्तकिन वाकई इस मामले में मुलव्वस है? जी वालिदा। गुमुश्तकिन के साथ तरबियत गाह में आपने जो किया वो सबने देखा भाई। क्या बात है भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिद्दोजहद का आगाज हो चुका है मेरे शेरों। गुंदोगदू भाई भी उनके साथ शामिल हैं। वक्त आ गया है कि दो दुर्गा कबीले और इस सरजमीन से रुखसत हो जाएं। हम वापस बाजंतीनी सरहद पर जाएंगे, लेकिन इस बार हम तन्हा नहीं होंगे। हमारे प्यारे काबिले एतमाद और वो जो हम पर भरोसा करते हैं वो साथ जाएंगे हमारे। लोग आपको मजबूर करेंगे, मगर आपने इस फैसले पर डटे रहना होगा। हर एक से ताल्लुकात अच्छे रखना होंगे। हम मिलकर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता कायल करेंगे इस हिजरत की तरफ। ठीक है भाई। जैसा आप ठीक है भाई। अब्दुल रहमान, मुझे कुछ कहना है तुमसे। हर चीज से वाकिफ हो तुम। कबीले में इंतशार है। वालिदा को परेशान नहीं करना चाहता मैं। जैसे बाबा के मुहाफिज थे तुम, वैसे ही वालिदा की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहता हूं।
हाइमा खानम के लिए मेरी जान भी कुर्बान है भाई। मैं अंदर आ सकता हूँ वालिदा? आ जाओ बेटा, आ जाओ। कुरकुस सरदार ने हमें औताक में मदू किया है वालिदा, तो मुश्तकिन साहब भी वहीं होंगे। वालिदा, क्या आप इन लोगों को हमारा दुश्मन समझती हैं? देखिए, ये गुमश्तकिन साहब की तरफ से एक मजबूत इशारा है कि वो कोरकुस सरदार की दावत पर हमारे मुंतजर हैं। हमें जाना चाहिए वालिदा। मुझे यकीन है हम इस मामले को बातचीत के जरिए हल कर लेंगे किसी तरह। इस मामले का सिर्फ एक ही हल है गुंदोगदो, कि मोहर चुराने वाला सामने आ जाए, वरना ना ही मैं और ना कोई और अर्तुरुल को रोक पाएगा। चलो हम चलते हैं वहां। मैं अपने भाई के बुलावे पर इनकार नहीं कर सकती। कायदे कानून सब जानते हैं और ये कायदे मैंने लागू नहीं किए हैं, और जो कुछ सबके सामने तरबियत गाह में मेरे साथ किया गया, क्या इस तरह का सुलूक मेरी जैसी शख्सियत के साथ करना मुनासिब था? बताइए मुझे, क्या उसकी जबान तलवार की तरह तेज नहीं? उसकी बहादुरी पर मुझे कोई शुबा नहीं, लेकिन अर्तुरुल की बेजा बदतमीजी और बेवकूफी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, उसकी वो नापाक ख्वाहिश जिसे वो दबा नहीं पाता। इस बात पे शुबा नहीं कि उसने अहम कामयाबियां हासिल की। तुर्क कबाइल में महल में इज्जत की निगाह से देखा जाता है उसे, लेकिन अपनी नापाक ख्वाहिश की तकमील के लिए और तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अब ये कैसे गवारा कर सकता है कि कोई उसके सामने खड़ा हो जाए? ना अपने भाई और ना माँ को देखता है। आप देख ले, तू तकिन बेटे के साथ क्या किया उसने। दरअसल मसला नाजुक है। जब तक अर्तुरुल साहब की हुदूद का तायुन नहीं कर लिया जाता, वो यूं ही हमारे लिए मसाइल खड़े करता रहेगा। सरदार, हाइमा खानम और उनके फर्जंद आए हैं। अंदर भेजो उन्हें। तशरीफ रखिए। आपके यहां आने से मुझे खुशी है हाइमा खातून। गुमश्तकिन साहब और अर्तुरुल के दरमियान पेश आने वाले नाखुशगवार वाकये से वाकिफ ही हैं हम सब, लेकिन मैं समझता हूं कि नौजवानों के जज्बात को नजरअंदाज करना नामुनासिब है, वो भी बेवजन बातों की बुनियाद पर, जबकि हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ये दोनों बच्चे बहुत जल्द आपस में रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक होने वाले हैं। इसीलिए मैं गुमश्तकिन साहब से कहना चाहता हूं कि वो गुंदोगदू के बारे में अर्तुरुल को अलग करके सोचें। अपनी बेटी और अपने बेटे जैसे दामाद गुंदोगदू को मजीद परेशान न करें। हाइमा खातून के यहां आने पर मुझे बहुत खुशी है और मैं इसे अपनी इज्जत अफजाई समझता हूं। यकीनन ये उस एहतराम का नतीजा है जो ये मेरे लिए महसूस करती हैं। गुंदोगदू की जहां तक बात है, ये मुझे हमेशा एक बेटे की तरह अजीज रहेगा। मंगोलों की आमाजगाह पर जब हम लोग हमलावर हुए थे, तो मैंने इनकी बहादुरी के जौहर देखे थे वहां।
यकीनन हर बेटी के बाप की यही ख्वाहिश होगी कि उसका दामाद ऐसा ही हो, और ये बात मैं कई दफा इनके सामने भी कर चुका हूं। बहुत शुक्रिया जनाब, मैं जानता हूं कि आप मुझे और वालदा को किस कदर इज्जत देते हैं, मैं इस बात का बहुत एहतराम करता हूं। लेकिन शादी का यह मामला हम दो सरदारान के खानदानों के दरमियान का है। अर्तुरुल जब तक मेरे पास आकर खुद माफी नहीं मांग लेता, मेरे लिए बेटी देना नामुमकिन है। बड़ों के सामने मेरा बोलना नामुनासिब है, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा। कल मेरे और गोगचे के लिए एक बहुत मुबारक दिन है, और कल के दिन हम सबको बहुत खुश देखना चाहते हैं। कल हमारी शादी है, शायद आप अपना फैसला बदल सकें गुमश्तकिन साहब। तू तक इनकी बात बिल्कुल मुनासिब है भाई, बेहतर होगा कि आप आज रात इस फैसले के बारे में सोच लें। कल का दिन बहुत मुबारक है, इस खुशी के मौके पर हमें एक दूसरे के लिए दिल कुशादा करना चाहिए। गोंजा गुल बेटी को रोता हुआ छोड़कर मैं यहां आपके पास आया हूं, और आप समझते हैं ये मेरे लिए आसान है। अर्तुरुल ने जो कुछ मेरे साथ किया उसे भुलाना नामुमकिन है। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं सुंगुरतकिन साहब? अर्तुरुल को कभी गलत साबित होते हुए नहीं देखा गया, लेकिन दुआ है कि इस बार वो गलत साबित हो। यानी आप भी अपने भाई से मुत्तफिक हैं सुंगुरतकिन साहब? मैं मुत्तफिक हूं या नहीं ये अहम नहीं है गुमश्तकिन साहब। जैसा कि आप जानते हैं, अर्तुरुल जब कुछ करने की ठान लेता है तो उसे कोई नहीं रोक पाता। इंशाल्लाह वो जल्द इस मामले की तह तक पहुंच जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। कल निकाह की तकरीब है, आपके पास आज पूरी रात है, अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला कीजिए। अर्तुरुल की बात सच है या नहीं कुछ ही दिनों में वक्त हमें बताएगा। गुमश्तकिन साहब ने वजह फरमाया, ये शादी महज दो लोगों की नहीं बल्कि दो कबीलों के सरदारान के खानदानों के दरमियान है। अगर दोनों में से एक भी मुतमईन नहीं है तो इस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन बच्चों की मोहब्बत से हम वाकिफ हैं बखूबी, ऐसी सूरत हाल में जब तक हकीकत सामने ना आ जाए मैं भी फिल वक्त इस शादी के हक में नहीं। अर्तुरुल भाई के इल्म में अगर ये बात आ गई तो मुझे नहीं पता कि ये गलीज दलदल किस किस को निकल लेगी। खुश आमदीद जनाब। वालिदा कहाँ है अलीमा? कोरकोत मामू की दावत पर वो आपके दोनों भाइयों के साथ वहां गई हैं। मामू अब सुलह की कोशिश करेंगे, ये यकीनन गुमश्तकिन की कोई नई चाल है। अब देखते हैं क्या होता है वहां। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं वालिदा? जब गुमश्तकिन अपनी बेइज्जती भूलकर आगे बढ़ना चाहता है तो आप इनकार क्यों कर रही हैं? इसी में बेहतरी है गुंदोगदू, जब तक चोर सामने नहीं आ जाता इस शादी से कोई खुशी हासिल नहीं होगी। ठीक है ठीक है, खुश हो ना तुम भाई, ख्वाहिश पूरी हो गई तुम्हारी, एक और फतह तुम्हारे नाम हो गई। जाहिर है वालिदा भी तुम्हारे साथ है,
अल्लाह करे आपका किया गया फैसला ठीक साबित हो। भाई अर्तुरुल, अब तक मैंने कभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन तुम हमेशा सही साबित हुए। इस मामले में मैं तुम्हारी सुनूंगी। जब तक चोर सामने नहीं आ जाता, मैं गुंदोगदु और कुंजाकुल की शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। लेकिन अगर तुम गलत हुए तो हम दोबारा उनका सामना करने के काबिल नहीं रहेंगे। कल गोगचे का निकाह है, कोई बदमस्की नहीं चाहती मैं। समझ गए मेरी बात? जी वालिदा। अच्छी बात है। मेरे बाबा और आपकी वालिदा दोनों अर्तुरुल भाई की बातों में उलझ कर रह गए हैं गुंदोगदु साहब। शायद ये मेरी आपसे आखिरी गुफ्तगू होगी। गुंजागुल, मेरी बात सुने, मैं आपसे भीख मांगती हूँ गुंदोगदु साहब। बहुत मजबूरी में आपसे मिलने के लिए इस वक्त आपके खैमे में आई हूँ, इसलिए खुदा के लिए आप मुझे मेरे दिल की बात कहने दें। आप जानते हैं सच्चाई जल्द या बदेर सबके सामने आ जाती है गुंदोगदु साहब। अर्तुरुल भाई को भी जल्द अपनी खता का एहसास हो जाएगा। जब तक वो वक्त नहीं आता, मैं इंतजार करूंगी, अब चाहे इसमें पूरी जिंदगी गुजर जाए, चाहे मेरा जिस्म मिट्टी में मिल जाए, गुंदोगदु साहब मेरे दिल के मालिक सिर्फ आप हैं। भूलिएगा नहीं ये बात। गुंजागुल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि सच्चाई सबके सामने आ जाती है, और तुम ये यकीन रखो कि तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। वादा है ये मेरा तुमसे। कैसी है खातून? शुक्र है अल्लाह का। सलजान खातून, मैं अपने फर्जंद और अपनी अहलिया को तुम्हारे झूठे इल्जामात से तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। लगता है आपको मेरी बातों पर यकीन आना शुरू हो गया है। आप सच तो जानते हैं, लेकिन मानने की हिम्मत नहीं कुरकुत साहब। इसी बात का डर है ना कि आपके बेटे दूतकिन को आपकी सच्चाई के बारे में ना पता चल जाए अपनी शादी के दिन। बेफिक्र रहे आप, मैं अपनी बहन की शादी होने तक किसी से तस्करा नहीं करूंगी, खामोश रहूंगी मैं। और अगर अपनी जहरीली जबान से कोई ऐसी वैसी बात निकाली तुमने, तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी सलजान, समझ गई तुम? और कुछ मत कहिएगा आगे। माजी में किए गए गुनाहों का हिसाब अल्लाह के आगे देना होगा आपको। जानती हूँ मैं दुरु ममानी के कत्ल में मुलव्वस नहीं है आप, मुझे यकीन है इस पर। और आप भी यकीन रखें एक बात का, दुनिया और आखिरत में मेरे हाथ आयतुलन की गर्दन ही पर होंगे। जल्द या बदेर झूठ का पर्दा फाश करके रहूंगी मैं। बाजी, मुझे अगर इजाजत दें आप, मैं आपको गले लगाना चाहती हूं। बाजी, आप
दीजिए मेरी जान, मेरी प्यारी बहन। बाजी, दिल तोड़ा है आपका मैंने। उस वक्त भी आपको गलत समझा जब आप हक पर थी, लेकिन आपने हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे माफ कर दे। आपकी दुआओं के साथ शुरू करना चाहती हूं नई जिंदगी। अपनी खुशियां बांटना चाहती हूं आपसे। मेरी जान से प्यारी बहन, शुक्र है मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के साथ रहेंगी। मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी तुम गोपजी। अब कभी भी तुम्हारे साथ किसी को बुरा नहीं करने दूंगी। मेरी चंदा, अल्लाह करे हमेशा शादोआबाद रहो तुम। मेरी एक बात याद रखना गोपजी, जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आए तो मुझ पे एतमाद कर सकती हो। खुद को अकेला ना समझना। बाजी, मेरी बहन, मेरे कबीले और खानदान के इकलौते जांबाज तूते किन बेटे, अल्लाह तुम्हें ऐसी लायक और साले औलाद अता करे जो तुम्हारा नाम रोशन करे। अल्लाह तुम दोनों को दोनों जहानों की खुशबख्ती अता फरमाए। आमीन बाबा। ये कातिल है, इसने जहर दिया है हमें, पकड़ लो इसे। सरदार की तबीयत बिगड़ रही है। बानू जी देख। सरदार, अर्दुर भाई को बुला के लाओ। ये अहम नहीं कि ये बानू झिझक ने किया है, अहम ये है कि बानू झिझक आखिर ऐसा क्यों करेगी। सुराग लगाना है हमें इसका।